हेलो व्यूअर्स, आज हम टाटा 14/12 का PRV रीसेट करेंगे विद जाल्टस V9। ये हमारे पास एक गाड़ी आई है 14/12 टाटा की PS4 गाड़ी, जिसमें पिकअप की इशू थी। तो अब हम सबसे पहले स्कैनर लगा के देखते हैं कि कौन सा कोड इस गाड़ी में डिस्प्ले हो रहा है। तो अब हम डायग्नोसिस पे चलते हैं और देखते हैं कि कौन सा। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि PRV के दो कोड एक्टिव है और एक ऑयल प्रेशर स्विच का। तो PRV का जो कोड है वो आप देख पा रहे हो क्या लिखा हुआ है, प्रेशर रेगुलेशन वाल्व ऑफ द इंजेक्शन रिंग हैज बीन फ्रीक्वेंटली एक्टिवेटेड सेवरल टाइम। तो ये जो प्रॉब्लम है हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसकी जो PRV है उसकी रिसेट करके हम ये जो प्रॉब्लम है इसको रिजॉल्व करेंगे। तो हम अब बैक चलते हैं, उसके बाद कैलिब्रेशन वाले ऑप्शन पे चलते हैं और रीसेट ऑफ द एडप्शन वाल्व ऑप्शन को क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दो ऑप्शन हैं, तो बारी बारी में आपको दोनों ऑप्शन रीसेट करना है। तो हमने पहले काउंटर फॉर द प्रेशर रिलीफ वाल्व ओपनिंग डेट को सिलेक्ट किया है, इसको हम रीसेट करते हैं। तो यहाँ वैल्यू देखते हैं जो करंट है, तो इसको हम जीरो करेंगे। जीरो होने के बाद हम वापस चलेंगे, जो दूसरे वाले ऑप्शन आ रहा था ओपनिंग टाइम ऑफ द PRV उसको रिसेट करेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हो 9665 मिनट आ रहा है, तो इसको हम जीरो करेंगे। जैसे ही जीरो कंप्लीट होता है हम वापस डायग्नोस्टिक वाला जो ऑप्शन है उस पर चलेंगे और देखेंगे कि कोड जो PRV का था वो इनएक्टिव हुआ कि नहीं। डायग्नोस्टिक पे चलते हैं और यहाँ आप देख पा रहे हैं नीचे कि दोनों PRV का कोड जो है इनएक्टिव हो गया या फिर ग्रे में आ रहा है। तो अब हम कोड डिलीट करते हैं। डिलीट करने के बाद वापस जब डायग्नोसिस पे हम गए तो दोनों PRV का कोड जो है वो सॉल्व हो गया था, और जो दूसरा ऑयल प्रेशर स्विच था उसको हमने चेंज किया, वो भी रिजॉल्व हो गया, और जो आपकी गाड़ी की इशू थी वो रिजॉल्व हो गई।